नमस्कार सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, मून्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बनाऊंगी स्टार फ्रूट है ये हमारे बगीचे में ही फला है, तो मैं चार ऐसी मंगाई और दिखाने के लिए आपको एक रख ली, बाकी सबको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। उसमें मैं डालूँगी इतना लहसुन, एक टमाटर है छोटा सा, हरी धनिया, हरी मिर्च और बघार के मैं बनाऊँगी इसको, थोड़ा सा तेल डालूंगी और तेल में बघार के मैं इसकी बनाऊंगी शानदार चटनी। तो चलिए दोस्तों, स्टार फ्रूट जो है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट तो होता ही है, खट्टा स्वाद होता है इसका, खट्टा मीठा पक जाता है तो थोड़ा मीठा हो जाता है, लेकिन ये बहुत सारे औषधि गुणों से भरपूर है। इसको आप गूगल में सर्च करके देखना, स्टार फ्रूट देखोगे आप तो इसको में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, विटामिन, मिनरल और हर चीज़ का। आप एक बार सर्च करके देखना, स्टार फ्रूट लिखना और उसमें देखना कितना बहुत ज़्यादा ये गुणवान और पौष्टिक फल होता है ये। तो चलिए अब इसको मैं बारीक बारीक एक और काट लेती हूँ, फिर लहसुन तेल डालूँगी, तेल में मैं जीरा बघार में डालूँगी और जीरा डालने के बाद लाल कश्मीरी मिर्च भी डालूँगी और ये तेज वाली भी मिर्च डालूंगी, एक दो हरी मिर्च डालूंगी, हरी धनिया, और इससे हम बनाएंगे चटनी। तो चलिए आज हम इसको भून के चटनी बनाते हैं बघार के। हमने इसको चढ़ा दिया है कढ़ाई, अब इसमें हम तेल डाल रहे हैं, तेल डाल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, तेल हम डाल दिए, तेल हमारा गर्म हो रहा है, फिर हम इसमें डालेंगे जीरा और ये थोड़ी सी है, ये लाल मिर्च है तेज वाली और थोड़ी सी हल्दी और ये है जीरा, इसको हम डाल के इसमें और थोड़ा सा हींग डाल के लहसुन डाल के बघारेंगे। तो चलिए मैं डाल के दिखाती हूँ। तेल अच्छा गर्म हो गया था तो इसमें जीरा डाली, जीरा डालने के बाद इसमें लहसुन डाल दी, लहसुन थोड़ा भून जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर और तेज मिर्च है इसका पाउडर, फिर कश्मीरी मिर्च भी डालूँगी लाल ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए और हरी धनिया डाल के हम बनाएंगे इसकी चटनी। अब धनिया और मिर्च हमने डाल दिया, अब हम डालेंगे उसको जिसको हम काट, पहले मैंने टमाटर डाल दिया, एक छोटा सा ही टमाटर है, इसको हम छींच लेंगे। तब तक स्टार फ्रूट को भी डालती हूँ और एक स्टार फ्रूट को काट लेती हूँ और फिर आपको कटा हुआ सारा ये हमने स्टार फ्रूट को डाल दिया है। टमाटर डाला, थोड़ा सा टमाटर गला, हम स्टार फ्रूट डाल दिए था, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको गलाएंगे और उसके पहले मैं थोड़ा सा हींग भी डालूंगी इसमें ताकि हमारी जो चटनी है इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ा और बढ़ जाए और बहुत दिन तक चले। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसमें नमक डाल के फिर आपको मिलती हूँ। नमक के बाद हरी धनिया, हरी मिर्च कटी हुई मैं डाल दी हूँ और अब मैं इसमें लाल कश्मीरी मिर्च भी डालूंगी और उसके बाद ये अच्छे से पक जाएगा, भुन जाएगा। थोड़ा सा मैं शुगर डालूंगी एक चम्मच, फिर मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी ठंडा होने के बाद। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से मेरा ये स्टार फ्रूट जो है पक रहा है और पकने के बाद इसकी हम बनाएंगे बहुत शानदार चटनी। देखिए दोस्तों, हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, एक बड़ी चम्मच ही डाला है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। अब इसमें हम एक चम्मच डालेंगे शुगर और नमक कम होगा तो बाद में हम और मिला सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुगर डाल के इसको अच्छे से भून लेती हूँ। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से भून गया है, अब मैं इसको गैस को बंद कर दी हूँ और ठंडा होने के बाद इसको मैं पीसूंगी और पीस कर मैं बनाऊंगी शानदार चटनी। बहुत ज़्यादा ये अपने पौष्टिक तत्व इसमें रहते हैं स्टार फ्रूट में, गूगल से सर्च करेंगी तो आपको इसके सारे वो आ जाएंगे कि इसमें क्या क्या खूबियाँ होती है। तो दोस्तों, अब मैं इसको ठंडा होने के बाद पीस के फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरी चटनी कैसे बनी। और धनिया, हल्दी, नमक और शुगर, इसका तो कॉम्बिनेशन तो आप अपना टेस्ट करके ही मिला सकती हैं। मैं पीसने के बाद थोड़ा सा टेस्ट करूंगी, कम ज़्यादा जो होगा उसको मैं मिला दूंगी। हरी मिर्च कम होगी तो थोड़ा सा हरी मिर्च मैं और डालूंगी। देखिए दोस्तों, मेरी चटनी बनके तैयार हो गई है, फोकस लाइट हो रहा है एक। देखिए दोस्तों, मेरी चटनी बनके तैयार हो गई है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी चटनी बनी है। उम्मीद है से आप बनाएंगे, खाएंगे और मून्स किचन में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करेंगे। अब मिलेंगे हम किसी तीसरे रेसिपी के साथ। थैंक यू वेरी मच।